नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी साधना लाया हूँ, बहुत बढ़िया साधना है, और इससे एक ही रात में जिन्नों की राजकुमारी सिद्ध होती है, और उस सिद्ध होने के बाद में आप उससे कोई भी काम ले सकते हो, कोई भी काम उससे करवा सकते हो, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी राजसिक या सात्विक कोई भी काम हो उनसे करवाया जा सकता है। तामसिक काम उनको नहीं देना चाहिए, ये बहुत हानिकारक होता है, फिर उस जिन्न कुमारी से पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जिन्नों की साधनाएं अपने भारत में भी खूब होती है और पूरे विश्व में भी जिन्नों की साधनाएं खूब होती है। जिन क्या है? भूत प्रेत जैसे जिन होते हैं, तो इनकी कैटेगरी होती है जिन, वो मुसलमान इनको जिन के नाम से पुकारते हैं और हमारे यहाँ इनको प्रेत के नाम से पुकारते हैं। तो वो थोड़े भूतों से थोड़े स्ट्रांग होते हैं और इनके ऊपर भी सुप्रीमो होते हैं, मुवक्किल वगैरह होते हैं। तो इनके नाम अलग अलग है, हिंदू संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति में थोड़े से नामों का डिफरेंस रह गया और बाकी चीज़ें तो सेम ही हैं। तो आज मैं आपको एक साधना सिखाता हूँ जो जिन्नों की राजकुमारी की साधना है। दोस्तों देखिए, मैं पहले कुछ बातें बता देता हूँ। जिन्नों की राजकुमारी आपके सामने आएगी, आएगी कैसे भी आ सकती है, इसकी मर्जी है। या तो 16 श्रृंगार करके आ सकती है और या बिल्कुल बिना कपड़ों के आ सकती है। यदि आप विचलित हो गए तो गए काम से, विचलित हो गए तो इसके साथ संभोग करना पड़ेगा, और संभोग करने के बाद में ये आपकी आप, इसके फिर दूसरा कोई बीच में नहीं आ सकता। कोई देवी, कोई देवता, किसी का भी बल बीच में काम आने नहीं देगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा को ये बांधेगी। इसलिए खाली मित्रता करना, मित्रता के आगे और कोई भी शब्द नहीं जोड़ना। अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो आप जिम्मेदार हो, आपका काम जिम्मेदार है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये साधना अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। आपने दीपावली की रात इस साधना को 21 माला या 51 माला तक खींच लिया तो उसी रात ये प्रकट होगी आपके सामने। साधना में कुछ ज़्यादा है नहीं, एकदम सीधी सरल साधना है। ये साधना है शेख बाबा फरीद की, उन्होंने इस शक्ति को सबसे पहले बुलाया था और उनके वचनों से ये चलती है। बाबा फरीद, शेख फरीद, उनको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो शेख फरीद के नाम से ये साधना चलती है। तो अब करना क्या होता है कि आपको दीपावली को रात को करना है, तो आज शाम को या सुबह जब भी आपको मौका मिले, या कल सुबह किसी भी मज़ार पे जाके थोड़ा सा प्रसाद, भोग, धूप, दीप, अगरबत्ती, इत्र वगैरह चढ़ा करके और आशीर्वाद मांग ले कि ये सरजमीन के बुजुर्गों, मैं जिन राजकुमारी की साधना करने जा रहा हूँ, हे बाबा फरीद मुझ पर कृपा करें। बस इस प्रकार से बोल करके और उनको सर नवा करके अपने घर आ जाइए। साधना साधना आपको रात 11 बजे से करनी है शुरू। आपका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। आपके कपड़े एकदम सफेद रहेंगे। सफेद कपड़ों में कोई भी लाल किनारी या हरी किनारी ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कपड़ा सफेद मतलब सफेद, श्वेत, एकदम श्वेत। श्वेत कोई धोती हो उसको तैमल की तरह लपेट लेना और एक गमछा अपने सर के ऊपर दे लेना, बस दो सफेद कपड़े हो, बहुत है। नहीं तो आराम करना तो एक ही धोती लंबी लेना, उसी को लपेट लेना सर पे, उसी को अपने नीचे लपेट लेना कमर पे। वहां से साधना शुरू होती है आपकी। आपको इस साधना में पश्चिम या उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके बैठना, एक मुसल्ला बिछा लेना है, सफेद रंग का मुसल्ला। सफेद रंग का मुसल्ला बिछा लिया, अब पेदी आपके कपड़े सफेद, अकीक की माला, उससे साधना होगी। आपको दिया या इसमें कुछ है नहीं, सामने दो प्लेट में सफेद रंग की मिठाई का भोग शेख फरीद के नाम से और जिन राजकुमारी के नाम से, जिन्नी के नाम से आपको चढ़ाना है। बस उसके बाद में अपना सुरक्षा चक्र लगा लेना अच्छी तरह से, उल्टी खोपड़ी मरगट मसान वाला लगाओ, या फिर जो मुसलमानों का आयतुल कुर्सी का सुरक्षा घेरा है वो लगा लेना, आयतुल कुर्सी, कच्चा कुरान, आगे पीछे तू रहमान, दड़ राखे खुदा, सिर राखे सुलेमान, ऐसा कुछ मंत्र है उसका सुरक्षा घेरा लगा लेना अच्छी तरह से। 101 मंत्र पढ़ करके सुरक्षा घेरा लगा लेना। उसके बाद में सफ़ेद अकीक की माला से साधना शुरू करना। अब 51 माला का आप संकल्प लेते हो या 11 का लेते हो, 21 का लेते हो। अगर आपको एक दिन में जिस 11 माला का संकल्प लिया, एक दिन में नहीं सिद्ध हुई, दीपावली के दिन नहीं हुई, तो आप 3 दिन तक लगातार करना, 3 दिन में तो पक्का सिद्ध हो जाएगी। बड़ी स्ट्रॉन्ग साधना है।
जैसे ही आप मंत्रों का जाप करना शुरू करोगे, पहली दूसरी तीसरी पांचवी माला तक तो चल लोगे, उसके बाद में आपको कमरे में सुगंध आना महसूस होगी, फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि कमरे में बहुत सारी स्त्रियां, नग्न स्त्रियां आपके कमरे में घूम रही है, साये दिखाई देंगे, कुछ आवाजें आएगी, कुछ पायलों की आवाजें आएगी। डरना वरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। आपको बैठ करके तबीयत से साधना करनी है। आपकी 51 माला पूरी होते होते या फिर 21 माला का संकल्प होता है, 21 माला पूरी होते होते ये शक्ति आपको दर्शन दे देगी और कहेगी मुझे क्यों बुलाया। तो आपको कहना है कि मैं आपको मित्र के रूप में पसंद करता हूँ, आप मेरे दोस्त बन करके मेरे साथ रहिए और जो दुनियावी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं, उनमें मेरी मदद कीजिए, उनको सुलझाने में, और उनको सुलझाइए। आर्थिक समस्या हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कोई भी प्रकार का कष्ट हो, उसको मिटाने में मेरी मदद कीजिए। तो इस प्रकार से आप बोल देंगे तो वो भी कुछ अपनी शर्तें वगैरह रखेगी, तो आप उनकी शर्तों को भी सोच समझ करके मान लेना और फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। इसमें जो मंत्र काम में आएगा वो मंत्र आपको गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करना पड़ेगा। फिर भी मैं मंत्र बता देता हूँ, थोड़ा सा मंत्र बताऊँगा, थोड़ा सा मंत्र आपका बीच में से गायब किया गया, अधूरा रखा गया, वो गुरु से दीक्षित होकर के प्राप्त करें, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग साधनाएँ होती है, गुरुमुखी साधनाएँ होती है, जो उनका स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। तो मंत्र दोस्तों, जिन्नी ते खबरदार मोर बर, जिन्नी ते खबरदार मोर बर, कहूँ जे काम कर आवे मोर पास, दुहाई बाबा फरीद के छू। ये मंत्र है, इस मंत्र का प्रयोग करके आप जिन्नी को प्रकट कर सकते हो और उससे मुँह मांगा वरदान प्राप्त कर सकते हो, मुँह मांगा धन भी प्राप्त कर सकते हो, किसी का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हो, किसी को वश में करना हो, मारण करना हो, चटन करना हो, कुछ भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत बढ़िया साधन है, आप चाहो तो करके शक्ति को एक रात में प्रकट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।